जिस तरह इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है और इस तरह ये एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल होती है। कोरोना वायरस इस वक्त तकरीबन दुनिया के 198 मुल्कों में फैल चुका है और वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, पैंडेमिक इसको WHO ने डिक्लेयर कर दी है। और पाकिस्तान में भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा इसके केसेस हैं और तकरीबन पूरी दुनिया में 4.5 लाख इसके केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं अब जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। इसकी अलामत क्या है? अलामत इसकी बिल्कुल एक आम फ्लू की तरह होती हैं, जैसे कि एक छींक आ गई, खांसी ड्राई खुश खांसी आ गई और हल्का बुखार हो गया। यहाँ तक तो चलें एक समझ में आती है, बात ठीक है, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इस पर ऐसे शख्स को बिल्कुल अपने आप को ज़रा साइड पे कर लेना चाहिए। और लाइक वाइज जैसे अगर यस अगर किसी को सांस फूलना शुरू हो तो दैट इज़ अ वार्निंग साइन, फौरी तौर पे हॉस्पिटल में जो है उसके रब्ता करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। और वट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, ये क्या है, एक दूसरे से दूर क्यों हटें, ये वो सारा। सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि एक मरीज जो है अगर बैठा हुआ है तो वो एक से 3 लोगों को ये बीमारी मुंतकिल कर सकता है, छींकने से, खांसने से, अगर उसने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ। अगर ये 3 बंदों को ट्रांसमिट होती है, 3 जो है आगे करेंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये बीमारी जो फैल जाती है। इसमें शिद्दत हल्के से लेकर बिल्कुल कोई अलामत भी नहीं होती, और इस शिद्दत की अलामत ये होती है कि इसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, निमोनिया होता है, जो कि ज़्यादा जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप इस रेंज से बाहर निकल जाती हैं कि आपको मुतासर होने का ख़तरा नहीं होता। और वो जो मरीज़ होता है जिसको खांसी आ रही होती है, हम उसको भी एहतियाती तदाबीर बताते हैं, जैसे कि उसे मास्क पहनना और उसके अलावा उसको डिसइंफेक्ट करना, जिसे कह सकते हैं सैनिटाइज़र्स। आजकल मार्केट में बेशुमार सैनिटाइज़र नज़र आएंगे डिफरेंट किस्म के, लेकिन वो सैनिटाइज़र जिसके अंदर 60% अल्कोहल शामिल है, दैट अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, वो इसमें हेल्पफुल हैं, दे आर गुड टू डू दैट। और जब भी आप कहीं जाएँ किसी जगह पे, किसी कंप्यूटर पे काम करें, मोबाइल पे काम करें, जब भी करें, जब भी किसी दरवाजे को खोलें तो उसमें भी चांस होता है, तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग में आगे हम आ जाते हैं कि जी कितने दिन तक करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब कुछ लोग ओवरऑल जितने पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं उनमें सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, सारे लोग इकट्ठे होने से मुराद ये है कि आप एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं, अगर 1-2 मरीज उसमें से हैं तो वो फैल जाएंगे। सो उनको आपने सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है, इतमा ना हो इकट्ठा, लोग इकट्ठे ज़्यादा ना हो, बल्कि ज़्यादा ना होने का मतलब यह है कि बिल्कुल दूर दूर रहें आपस में। पता है कि जी ये आइसोलेशन क्या है, ये क्वारंटाइन क्या है, करंदीना में बैठ गए, क्वारंटाइन में बैठ गए। बेसिकली जो आइसोलेशन यूज़ करते हैं उस शख्स के लिए, जो लफ्ज़ सेल्फ आइसोलेशन आजकल एक यूज़ होता है, एक्चुअली आइसोलेशन जो होता है वो एक ऐसे शख्स के लिए है जो बीमार है, सिक पर्सन है। आइसोलेशन का मतलब यह है कि जो बीमार बंदा है, आपने उसको आइसोलेशन वार्ड का नाम आपने सुना होगा, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, दैट इज़ आइसोलेशन। अब व्हाट इज़ क्वारंटाइन या क्वारंटीना क्या होता है, ये भी अक्सर हम सुनने में आते हैं, लोग पूछते हैं ये क्या है वो क्या है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि बिलफर्ज एक शख्स बाहर से आया है, उस जगह से आया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि उन जगहों पर ये थी बीमारी, आप उसको अपने मुल्क में अगर दाखिल हो ही गया है तो उतरते सार उसको फौरी तौर पे एक दूर या करीब तरीन ऐसी जगह पे कर दें आबादी से जो कि उसके अंदर वो बिल्कुल अलहदा से वो रहे और बज़ाहिर वो सेहतमंद है। अब उसको कितनी देर तक उस जगह पे रखना है या उन लोगों को रखना है, ये तकरीबन 14 डेज या 2 हफ्ते बनती है, क्योंकि अभी तक जो सामने आई हैं स्टडीज़ चाइना से या यूरोप से, देखा गया है कि ये 14 दिन तक ये वायरस ये अगर होता है इसके साथ, अगर 14 दिन तक इसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं हुई, इसका मतलब है आप फ्री हैं और आप बाहर जा सकते हैं, और जो कि बाहर के मुल्कों में आजकल हुआ है।
इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बाहर गए हैं तो आप बिल्कुल ठीक, ये कुछ नहीं, लेकिन अगर आप बाहर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं करेंगे यानी, तो तब आप फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है इसकी।